गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी लर्न चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ क्लास 10th। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फूड का हमारे हेल्थ से क्या रिलेशन है। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि फूड का हमारे हेल्थ से बहुत ही ज़्यादा लेना देना है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फूड है, फूड के अंदर क्या होता है कि कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने 6 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर। ये अगर सारी चीज़ें अगर हमारे फूड के अंदर होती है तो वो फूड जो होता है वो हमारा बैलेंस्ड फूड कहलाता है, और उस टाइप के फूड को खाने से हम हेल्दी रहते हैं और हमारी बॉडी भी फिट रहती है। और अगर हमारे फूड के अंदर इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं और प्रोटीन ना आए या फैट ना आए या मिनरल ना आए, यानी किसी भी कंपोनेंट की कमी हो जाती है, तो इस टाइप का जो फूड होता है उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फूड। ये हमारे देर आर टू टाइप ऑफ फूड्स जो कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जो फूड होता है ये मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गाँवों के अंदर देखा जाता है, जहाँ पे या पुअर फैमिलीज के अंदर देखा जाता है, बिकॉज वो लोग इतने नहीं होते कि सारी चीज़ों को खरीद सकें, परचेज कर सकें, और दैट्स इज द मेन रीज़न कि वो लोग क्या करते हैं, वन टाइप के ही फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। अगर देखा जाए तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में या विलेजेस के अंदर या सिटी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करते हैं जो सस्ती होती है और कम पैसों में आती है, और वो एक ही एक चीज़ खाते हैं। और उस टाइप के जो खाने को खाया जाता है जिसमें एक ही एक चीज़ों को कंटिन्यूसली खाई जाती है, दैट्स कॉल्ड अनबैलेंस्ड फूड, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्लीटली नहीं होते। और अगर एक ही टाइप के खाने को खाया जाता है तो उस टाइप के खाने को खाने से कई सारी डिसीज हो जाती है, दैट्स कॉल्ड क्वासिकॉर, मरामस, और जैसे आयोडीन की सॉल्ट की कमी से आजकल आपको पता है कि उसकी कमी से डिसीज हो जाती है। तो इस टाइप की जो बीमारी होती है इससे हमारी फिजिकली और मेंटली ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पाती और हम लोग कई सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाती है। अब जैसा कि आप लोगों ने ये टेबल्स बनी हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स, यहाँ पे हमें बताया गया है कि विटामिन की मेल न्यूट्रिशंस, यानी मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कुपोषण। कुपोषण मतलब जिसमें हम लोगों को कम्प्लीटली हमारे अंदर फूड की कमी आ जाती है, यानी हमारे फूड में किसी न किसी कंपोनेंट्स की कमी के कारण जो बीमारी होती है, दैट्स कॉल्ड मेल न्यूट्रिशंस। अब जैसे देखो, अगर विटामिन भी देखो, देयर आर बहुत सारे टाइप के हमारे विटामिन होते हैं। अगर विटामिन ए अगर हमारी फूड में नहीं हो तो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसमें पुअर विजन हो जाती है, लॉस ऑफ विजन और डार्कनेस होने लग जाती है, जबकि आजकल लोगों में कई सारी देखा जाता है जिसमें आंखों से दिखाई कम देता है, और थायमिन बी के वजह से हो जाती है, जिसमें बेरी बेरी नाम की, अच्छा इसको लर्न करने का एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ। थायमिन यानी ये देखो, ये बी यानी बेरी बेरी, B1 की कमी से हमारा कौन सा होता है, बेरी बेरी नाम की, इसमें हमारा क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें होने लग जाती है जो कि टेबल में है। फिर है B2 के वजह से, ये देखो ये सारी है। ये चैप्टर आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और ये टेबल स्पेशली कई बार आता है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सा होता है, सी की कमी से सक्रवी होता है, डी की कमी से डिक्टस होता है, इस टाइप की चीज़ें होती है जो कि ब्लेंडिंग ऑफ बोन्स, लेग्स वगैरह, ये सारी बीमारीज होती है। यानी अगर हमारे फूड में किसी भी तरह की अगर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होता तो उससे कहीं ना कहीं सारी डिसीज होने लगती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो होता है हमारे नेक्स्ट फूड, नेक्स्ट का है वो है हमारा, जैसे देखो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्रोटीन होता है पल्सेस में, सोयाबीन में, मीट में, एग में, और सबसे ज़्यादा होता है दालों में, आपको पता है सबसे ज़्यादा दालों में होता है, और ये बच्चों के अंदर काफ़ी सारे पाए जाते हैं। बच्चों में अगर ये देखो प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर नाम के और मेरामस नाम के एक डिसीज
पाई जाती है, जिसमें क्या होता है बच्चों की जो होती है ये जो स्टमक होता है, स्टमक यानी पेट, पेट जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और लेग और जो हैंड्स होते हैं वो बिल्कुल थिन थिन हो जाते हैं। और इस टाइप की जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं क्वासिकोर, जिसमें क्या होता है स्टमक तो उनका बहुत बड़ा हो जाता है और लेग और जो हैंड्स होते हैं वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वासिकोर डिसीज। फिर है मिनरल मेल न्यूट्रिशंस, मिनरल की जो कमी से, जो न्यूट्रिशंस की कमी से जो होता है वो डिसीज होता है। अब ये सारी आप लोगों को बताया गया है कि सोडियम से क्या क्या होता है, सोडियम की कमी से सोडियम किस किस, देखो सोडियम का मेन सोर्स क्या क्या है, सोडियम होता है आपको पता है सॉल्ट, सोडियम जो होता है वो सॉल्ट के अंदर होता है, ये है, ये सारी चीज़ें होती है सोडियम में। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत ही मिनरल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए होती है, बट इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, ये बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए बट इनकी इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ। अब आप लोगों को पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर की हमारे हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को पता है आजकल हमारे घरों के अंदर आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा वाटर प्यूरीफाई लगाया जाता है, कई लोग आरओ लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं जर्म्स को मारने के लिए। हमें वाटर जो दिखने में एकदम आप लोग देखते हो कि बिल्कुल क्लीन, कई बार हम लोग वाटर को चेक करके पीते हैं कि हाँ देखने में लग गया कि क्लीन है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली प्योर वाटर, जो देखने से हमें पता नहीं चलता है वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, बिल्कुल हमें आ रहे देखने से उनसे नहीं पता चलता, वाटर में छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वो ऐसे ऐसे जर्म्स होते हैं। वाटर हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम वाटर सबसे ज़्यादा पीते हैं फुल टाइम, और वाटर हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वाटर के अंदर क्या होना चाहिए, देयर शुड बी फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ वाटर। वाटर की एक्चुअली पीएच इम्पोर्टेंट होता है, पीएच के बिना हमें पता नहीं चलता है कि पीएच है, वाटर की पीएच से ही इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि पी, देखो वाटर शुड बी कंटेन विजिबल और पार्टिकल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें है कि नहीं है। तो पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड, वाटर की पीएच जो होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं रहती, उसको चेक करें बिना पता नहीं चलता। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन इट, ऑक्सीजन उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। डू यू नो वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, तो यानी ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, जो कि उनके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। आवर बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ बॉडीज आर परफॉर्म ड्यू टू वाटर, वाटर के कारण ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो पाती है। एटलीस्ट हमें दिन में 8 ग्लास वाटर इम्पॉर्टेंट है कि दिन भर में हमें पीना चाहिए पानी, एटलीस्ट फुल डे में हमें 8 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर पीना जरूरी है। वाटर के अलावा हमें पॉल्यूटेड वाटर से हमें कई सारे बीमारीज का भी होना सामना करना पड़ता है। पता है आपको वाटर की डिसीज़ क्या क्या होता है अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो, वाटर के अंदर पता है एक तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, वर्म्स होता है, ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेड वाटर के अंदर पाई जाती है, ये सारी चीज़ें वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और वर्म्स, ये सारी यूनिसेलुलर्स होते हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसके अलावा ये क्या होते हैं, इनसे डिसीज़ कौन कौन सी होती है, कॉलेरा, डाइसेंट्री लाइक डिसीज, ये सारी चीज़ें गंदे वाटर पीने से होती है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इनके वाटर से पीने से होती है। और उसके अलावा ये है ऑब्सिटी,